हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। हम लोग का यूनिट है दंतेवाड़ा यूनिट, तो हम लोग को कभी कभी इधर आना पड़ता है। ये आपको पीछे दिख रहा होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर PWAY मतलब दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे होता है क्या है कि सारा स्टोर वगैरह भी रहता है, बहुत कुछ सामान वगैरह यहीं से जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ऑफिस के अंदर दिखाना अलाउड नहीं है सिक्योरिटी पर्पज़ से, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकता हूँ, सिर्फ बाहर कहीं मैं दिखा सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली होता है क्या है कि कभी कभी हम लोग को स्टेशन से कुछ सामान अगर लाना होता है, स्टेशन पर अगर गेज लाइनर वगैरह कम हो गया, ERC है, बहुत सारा प्लेट वगैरह कुछ भी अगर घटता है, कम पड़ जाता है, तो हम लोग को यहाँ ऑफिस भेजा जाता है वो ले के आने के लिए। और हमारा स्टेशन से लगभग आपको 25 किलोमीटर पड़ता है। तो आज मैं आया हूँ, मुझे गेज लाइनर लेके जाना था, तो आज मैं उसी के लिए आया हूँ। अब सर अभी आए नहीं है, तो आज मैं उनसे आता है, तो उनसे सर से मैं बात करूँगा। और इसलिए अगर अभी भी मैं ड्यूटी पे हूँ, तो इसके लिए आपको एक TA भी मिलता है, वो एक दिन का 350 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है अगर आप कहीं जाते हैं ड्यूटी पे। तो मैं अपनी बाइक से ही आया हूँ, तो आइए फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये PWAY ऑफिस है, यहाँ पे हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर सर बैठते हैं। और इधर अभी कुछ वर्क चल रहा है, नया बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है अभी। और इधर कुछ प्लेट्स वगैरह भी हैं। और ये ऑफिस एक्चुअली होता क्यों है, इसमें हमारा अगर रेलवे का पास बनाना है, ID कार्ड अगर लेना है, बहुत कुछ काम होता है, थर्मल डिक्लेरेशन सबमिट करना है, तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। हमारा ये दंतेवाड़ा ऑफिस है यूनिट, ये कड़ वगैरह पे लगाने के लिए बोर्ड वगैरह हैं। ये ACEJ जो होता है पॉइंट वगैरह पे ये लगाया जाता है, ये सब प्लेट वगैरह देखिए। आइए आपको और भी बहुत कुछ दिखाते हैं। ये जो प्लेट आपको दिख रहा है ये पॉइंट्स में लगाया जाता है, ये प्लेट काफ़ी चौड़ा होता है ताकि पॉइंट्स पे आसानी से वो मूव कर सके और पॉइंट सेट किया जा सके, ताकि ट्रेन को Route 1 में या Route 2 में या Route 3 में उसको भेजा जा सके। और इसमें ख़ास बात और है कि अगर किसी को पनिशमेंट देना होता है तो उसे ऑफिस में ही बुलाया जाता है और उसको यही प्लेट्स को थोड़ा बहुत साफ़ किया करवाया जाता है, या तो इस प्लेट को उठा के कहीं और रखना होता है, फिर यहाँ से उठा के कहीं और रखना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि उस दिन आपको उधर ड्यूटी में रहेंगे तो आपको ऑब्सेंट तो चलेगा नहीं, इसलिए प्रजेंट में भी रहना है, तो इसलिए आपको ये करवाया जाता है। और ये हील ब्लॉक्स आपको दिख रहा होगा जो क्रॉसिंग चेक रेल में या पॉइंट्स में के बीच में लगाया जाता है, ताकि बोल्ट को आसानी से लगाया जा सके और वो इधर उधर मूव नहीं करें। और भी इधर कुछ रखा हुआ है, प्लेट्स है, कुछ स्ट्रेसर वार है, और इधर नया बिल्डिंग का काम चल रहा है। और इधर एक ड्रम जो दिख रहा होगा, ये इसमें ग्रीस मंगाया जाता है और सभी स्टेशन पे जब ग्रीस ख़त्म हो जाता है तो भेजा जाता है। और ये झंडा फहराने के लिए ये बनाया गया है। और इधर कुछ नए ERC है जिसमें लॉक सिस्टम होता है, ताकि लॉक लगा देने से क्या होता है कि वो रेल में से जल्दी ERC निकलता है नहीं है। और ये ट्रक्स है जिसके थ्रू सामान को पहुँचाया जाता है। और इधर ये ऑफिस पुराना है, SSC का पुराना ऑफिस था, तो अब नया बनाया गया है और इसको स्टोर रूम बना दिया गया है। और इधर कुछ महिला कर्मचारी वगैरह भी है, ये देखिए जो महिला कर्मचारी है इनसे जंगल कटिंग वगैरह कराया जाता है या वही प्लेट्स को थोड़ा बहुत साफ़ करवाया जाता है। और ये स्टोर रूम है जिसमें बहुत सारे कीमती सामान रखे होते हैं जिसको दिखाना अलाउड नहीं है सिक्योरिटी पर्पज़ से। और ये हमारी बाइक है हीरो पैशन प्रो BS6 मॉडल। अगर आपको इस बाइक पर रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइए, मैं इस पर रिव्यू का एक वीडियो बना दूँगा अलग से। और ये रेलवे का ट्रक है। और इधर कुछ पुराने ERC हैं जिसको रेलवे क्या करती है, बेच देती है रेलवे सरकार, जो हमारे काम का नहीं होता है, जो प्लेट्स पुराने हो गए हैं या ERC पुराने हो गए हैं, तो उसको प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाता है, जिसको पिघला करके वो प्राइवेट कंपनियाँ वो छत पे ऊपर जो चादर होता है वो बनाया जाता है या बोल्ट्स वगैरह बनाती है। ये बहुत सारे प्लेट्स वगैरह रखे हुए हैं। और इधर नया बिल्डिंग का भी काम चल रहा है, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, हो सकता है ये स्टोर रूम हो या ऑफिस हो, ये बाद में पता चलेगा। और इसका जो ईंट होता है ये सीमेंट का बना होता है जो काफ़ी मजबूत होता है, और इधर वो मिट्टी का ईंट नहीं चलता है, ये इधर यही ईंट पाया जाता है सीमेंट्स का। और इधर जोगल फिश प्लेट है या मीटर प्लेट होता है, बहुत सारे प्लेट्स रखे हुए हैं जो सेक्शन में भेजा जाएगा। और इधर कुछ लाइनर्स हैं जो गेज लाइनर हो गए, मेटल लाइनर होता है, बहुत सारे लाइनर्स होते हैं जो रखा होता है और जो पुराने हो जाने पर उसको बेच दिया जाता है, और वो जो नए होते हैं अच्छे होते हैं उसको वो सेक्शन में भेजा जाता है। और इधर ये ड्रम वगैरह सब में देखिए लाइनर सब भरा हुआ है, और नीचे ERC कुछ पुराने ERC भी है जिसको बाद में बेच दिया जाएगा, यूज नहीं होगा तो। और ये स्ट्रेचर बार के लिए आपको दिख रहा होगा, ये लंबा सा
जो पॉइंट्स में लगाया जाता है, और उधर गार्ड्स रहते हैं जो 24 घंटे इसकी ड्यूटी करते हैं। काफ़ी कीमती सामान होता है रेलवे का, ये काफ़ी महंगा भी होता है, इसलिए इसका सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और हमको ये लाइनर लेके जाना था तो हमने बोरा में इसको बांध लिया है, और हम बाइक पे इसको अपने बाइक पे बांधेंगे और फिर चलेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम जिस काम के लिए आए थे वो मेरा काम हो गया है। ये पीछे हम बांध लिए हैं, और एक कत्ती भी है लोहे का जो ले जाना था यहाँ पे, कुछ भैया लोग लाए थे तो वो लेते चले आए थे हमारे स्टेशन का, तो वो हम उसको लेकर जाना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी इस रेलवे का अगर कुछ सामान लेने आते हैं तो आपको एंट्री कराना पड़ता है। अगर आप एंट्री नहीं कराते हैं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो ट्रैफिक पर कभी रेलवे पुलिस पकड़ती है तो आप पे केस वगैरह हो सकती है। आपसे पूछा जाएगा कि आप किससे पूछ के ये सामान लेके जा रहे हैं, रेलवे संपत्ति है, इसलिए आपको ये पूछ के एंट्री कराना पड़ेगा। तो हम एंट्री करवा दिए हैं, इसलिए आप कुछ भी सामान लेके जाए तो एंट्री करवाने से क्या है कि आपका नाम रहता है, आपका सिग्नेचर रहता है, तो इससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप रेलवे की संपत्ति लेके जा रहे हैं, तो आप इसको कुछ मिसयूज तो नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लाइक्स करें और कमेंट्स करके बताएं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।